और इसी बीच बड़ी खबर भिवानी से है, जहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का आज रोहनाथ दौरा रहेगा और साथ ही रोहनाथ गांव में विकास कार्यों का शिलान्यास मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। करीब 27 करोड़ की लागत से व्यायामशाला पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे, साथ ही ओवरब्रिज रोड का भी शिलान्यास करेंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर। इसके अलावा जनसभा को संबोधित भी मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि 1857 की क्रांति का प्रतीक है रोहनाथ गांव और आज शहीदी दिवस है, इसी मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस गांव में पहुंच रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे सुमित कुमार, हमारे संवाददाता भिवानी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, 1857 की क्रांति के प्रतीक रोहनाथ गांव में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचने वाले हैं, करीब कितने बजे मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम यहां पर मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं? देखिए मंत्री का 3:30 बजे का वक्त तय किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गांव जमालपुर से है, जहां पर हेलीपैड बनाया गया है, वहां से सीधे गांव रोहनाथ के लिए रवाना होंगे और उसके बाद गांव में करोड़ों की सौगातें वो देने वाले हैं। चाहे जल औषधि स्टोर की बात की जाए, एक ऊपरगामी पुल जो बनाया जाना उसके शिलान्यास की बात की जाए, व्यायामशाला बनाई गई है उसके लोकार्पण की बात की जाए, एक आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है 10 लाख रुपए की लागत से, उसकी चाहे बात की जाए, बच्चों शेल्टर बनाया गया है चाहे उसकी बात की जाए, उसके अलावा तमाम वो चीजें हैं उनका शिलान्यास व लोकार्पण किया जाना है। और पहली मरतबा कोई मुख्यमंत्री है आज हरियाणा के जो कि इस गांव में पहुंचेंगे। इससे पहले इन लोगों की ना तो किसी के द्वारा शुद्ध लिखी थी, और बताना चाहूंगा इस गांव को अभी तक इस गांव के लोग गुलाम मानते थे और इस वजह से गुलामी का दंश वो झेलने पर मजबूर थे, और वजह यही थी कि उनकी जमीन को ओने पोने दामों में आसपास के गाँव में अंग्रेजों के द्वारा नीलाम कर दिया गया था। और इसी वजह से इन लोगों में ना केवल सरकारों के प्रति रोष था बल्कि जो सत्ता थी सत्ता के प्रति भी अच्छा खासा रोष था। सुमित, चूंकि पहली बार मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो ऐसे में रोहनाथ गांव के लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है और कितनी बेसब्री से इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री के आने का? क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि किसी भी तरह से सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं, चाहे आजादी के बाद की बात की जाए, चाहे हरियाणा के नया राज्य बनने की बात की जाए, इन लोगों की किसी के द्वारा सुध नहीं ली गई थी और पहली बार सूबे के मुख्यमंत्री इस गांव में पहुंचेंगे, गांव की सुध ली है, वहां पर विकास कार्यों की जो परियोजनाएं बनाई गई हैं उनका खाका तैयार किया गया था, पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि अमुक योजनाएं जो है यहाँ पर लागू की जाएंगी, इन परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा, करोड़ों की सौगात आज मुख्यमंत्री देंगे। और सबसे बड़ी बात अवंतिका ये है कि इस गांव में आज पहली बार ध्वजारोहण किया जाएगा, पहली बार यहां पर झंडा फहराया जाएगा। उससे पहले ना तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ना गणतंत्र दिवस के मौके पर ये लोग जो है इस गांव के लोग काले दिवस के रूप में मनाते थे दोनों दिनों को, दोनों राष्ट्रीय पर्वों को, तो आज पहली बार शहीदी दिवस के मौके पर आज इस गांव में ध्वजारोहण किया जाना है। जी सुमित, लोगों में कितना उत्साह इसी को देखते हुए जो है वो नजर आ रहा है और क्या कुछ लोगों की ओर से कहा जा रहा है रोहनाथ गाँव के? लोग बेहद उत्सुक है, लोग बेहद खुश है और लोगों ने साफ तौर पर यही कहा, कल भी हमने लोगों से बात की थी, लोगों का साफ तौर पर कहना था कि पूरी तरह से उत्साहित है, उनकी किसी के द्वारा सुध ली गई है, इस गांव को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, सही जी। जो वहां पर स्मारक है उन स्मारकों को विकसित किया जाना चाहिए, दूसरी तमाम चीजें तमाम मुद्दे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये गाँव आज जो है खुद को आजाद महसूस करेगा जो पहले खुद को गुलाम मानता था। चलिए बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी के लिए। तो आज ये गाँव खुद को आजाद महसूस करेगा जो खुद को गुलाम मानता था, यह बात हमारे संवाददाता ने कही, क्योंकि 1857 की क्रांति का प्रतीक रोहनाथ गांव को माना जाता है और साथ ही पहली बार है जब कोई मुख्यमंत्री इस गांव में पहुंच रहा है और पहली बार है जब ध्वजारोहण इस गांव के अंदर होने वाला है। ना 26 जनवरी के मौके पर ना 15 अगस्त के मौके पर इस गांव में कभी ध्वजारोहण हुआ है, आज ये ध्वजारोहण जो है वो इस गांव में किया जाएगा।